जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो, हाँ बोलो भाई जवान। और आदिल भाई क्या हाल है? बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हो? मैं भी शुक्र है भगवान का, ऊपर वाले का, सबका सब ठीक ठाक। और काम क्या चल रहा है? काम ठीक चल रहा है। ये जो टेंट का परमिशन देना है वो आ गया। अच्छा, टेंट की परमिशन आ गई? हाँ, टेंट की परमिशन आ गई। कितने टेंट लगा रहे हो इस बार? इस बार तो 30-40 टेंट। अच्छा, 30-40 टेंट। किस तरह किस तरह लगाओगे? ना वॉशरूम से दूर? वॉशरूम से दूर? हाँ, वो तो अगर वॉशरूम के सामने लगा उधर बाद में आ जाए तो कोई देखता नहीं। हमारा फ्रंट साइड में रहता है, जो सुबह यात्री को आसान निकलने में होती है। हाँ, जहाँ हम रुकते हैं। हाँ वही 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 वही। इतने सारे फोन आते हैं ना, खाली बोलते हैं बुकिंग करें, फिर नहीं करते। अरे यार, नंबर तो हजार लोग जिनने कॉल करे बुकिंग नहीं करते यार। इतना इस साल 10 लाख यात्री मैंने सुना है। 10 लाख से ज्यादा होगी मेरे पास। नहीं नहीं, इतना तो नहीं होगा, कम ही होगा। हाँ, पूरी यात्रा में इतना होगा। आधे आधे इधर ही से रजिस्ट्रेशन करवाए थे। तो कार रजिस्ट्रेशन टहलगांव में होता है? श्रीनगर में, टीआरसी। कहाँ पे? टीआरसी क्या है? श्रीनगर में। अच्छा, वहाँ पे तत्काल रजिस्ट्रेशन होता है? वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होती है ना। नहीं, कुछ लोगों ने टेंट बुक भी किया, उन्होंने बताया मुझे कि कुछ लोगों ने टेंट बुक किया, होटल बुक किया। तो 30 टेंट मेरे भी रखने हैं। 30 टेंट हम पहुंचेंगे। हाँ, 1 तारीख की शाम को पहुंचेंगे तेरे पास। हाँ सर, 1 तारीख ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, और बढ़िया टेंट रखना है, थोड़ा साफ सफाई वाले पहले शुरू के होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हाँ, मेरे बंदे वही टोपी पहन के आएंगे, और हो सकता है इस बार मैं 5-6 ग्रुप लेके आऊँ ना। बेड वाला टेंट है? तो बेड वाला, जिसमें बेड लगा हो। बेड वाला भी है? हाँ, वो यूएसए वाली आंटी आएंगी तो उनकी फैमिली आएगी ना। हाँ, बाद में 16 तारीख को। तो मुझे बेड वाला और उसमें हीटर वगैरह और सारा फैसिलिटी चाहिए उसमें ना। कोई बात नहीं, वो कह रहे जो भी चार्ज होगा हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चार्जिंग की दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई ठीक है। तो टेंट की परमिशन आ गई? टेंट की परमिशन आ गई। हाँ, अच्छा, चल परमिशन भेज दिया मुझे। मौसम कैसा है वहाँ पे अभी? मौसम अभी धूप है, अच्छी धूप है। टूरिस्ट 2-3 ग्रुप है मेरे पास। अगर आप वीडियो कॉल करोगे देखोगे कितना टूरिस्ट आ रहे हैं। आज भी इधर होटल सब सोल्ड आउट है। हाँ हाँ, लग गया मुझे पता। वो तो हमारे भी कुछ बंदों ने किए थे तो उनको मिल नहीं रहा होटल, इसलिए मेरे पास कॉल आया था। एक्चुअली एक बात, 30-40 बंदों ने थे, 30-40 बंदों ने बुक किया, जिन्होंने आपने नंबर दिया था ना। हाँ, तो 30-40 ने तो बुक कर दिया है। हाँ, जो कर लिया वो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे उनको भी रेट का पता करते हैं तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, वो तो उनको बाद में पता चलेगा। जो 5,000 का रूम हो जाएगा ना, तब जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जो जबरदस्ती मेरी बात सुनो ध्यान से ना। एक्चुअली कुछ ग्रुप आ रहे हैं हमारे, उनको ना यात्रा से पहले ना कश्मीर हुए आड़ो वैली और ये स्विट्जरलैंड और 2 दिन कश्मीर यहाँ पे घूमना। तो इसके लिए कैसे करेंगे बताओ? है कुछ बंदा जानते जो उनको घुमा लाए वहाँ पे? को तो गाइड, इनको तो गाइड की जरूरत है, गाइड। मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई, वो रुकेंगे तो बेस कैंप में या होटल में रुकेंगे? एक 35 बंदे एक है, एक 18 बंदे हैं, एक 19 बंदे हैं, तो उनको मैंने होल्ड कर रखा है। उनको घोड़े पे जाना है कि वॉक करके जाना है? यार कुछ घोड़े पे जाएंगे, कुछ भोग जाएंगे, मिक्स बंदे होते हैं ना हर तरह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा अरेंजमेंट, हो जाएगा। तो वो पूछ रहे थे कि मतलब पूरा ये पहलगांव लोकल घूमने के लिए कितना कितना दिन लगेगा? वो लगेगा तो 2-3-4 दिन लगता है। 3 दिन में नहीं हो पाएगा? 3 दिन में अगर 1 दिन में आड़ो चंद्रवाड़ी तो नहीं, बेताब तो छोड़ेंगे नहीं ना, चंद्रवाड़ी तो जाने नहीं देंगे, चंद्रवाड़ी तो देखेंगे, चंद्रवाड़ी तो जाने नहीं देंगे। उस टाइम तो जब जाओगे यात्री करने उधर से ही जाएंगे। हाँ, तो चंद्रवाड़ी छोड़ दो आप, आरो हो गया, लोकल हो जाएगा, लोकल हो जाएगा, लोकल। और साइड से घोड़े का है ना, ये हो जाएगा 3 दिन में, हो जाएगा ना 3 दिन में, हो जाएगा आराम से। और घोड़े का खर्चा वर्चा कितना बैठता है? गाइड का क्या लेता है गाइड? अरे गाइड लेता है 1500 दिन का, 1 दिन का 1500। बेटा वो तो 1500 की बात नहीं है, वो तो मौका देख के तुम चौका मारते हो। जब यात्री ज्यादा होते हैं तो फिर तो ज्यादा पैसा बढ़ा देते हो। नहीं तो उस टाइम नहीं होता है गाइडों को भी ना। घोड़े का कम से कम हो जाएगा, कम से कम अगर पूरा 7 जगह देखेगा 3500 रुपया। पूरा 7 जगह दिखा दोगे? हाँ, पूरा 7 जगह पक्का पक्का पक्का। ये रेट तो कम बता रहा है मुझे यार बेटा, तू वहाँ जाके कर। अच्छा बात सुनो, इसका आपके लिए यार, आपके लिए यार। अच्छा ये मेरे लिए, वही कह रहा हूँ। ये सरकारी रेट है या कुछ वैसा अपना रेट होता है परसों? ये सरकारी रेट है, ये अपना काम कर रहा है। आदिल भाई ये रिकॉर्डिंग पे है फोन? हाँ, रिकॉर्डिंग पे ही है। मैं ये वीडियो डाल दूंगा तो उन बंदों को मैं आपका नंबर दे दूंगा। तो एक बात करना, अगर कोई ट्रैक करना चाहते हैं ट्विन लेक वन डे का ट्रैक है उधर, वो मैंने भी करना है। वो अभी खड़ी होगा? वो हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, आज भी हो जाएगा, मगर आज बर्फ ज्यादा है। जून के बाद ज्यादा अच्छा होता है उधर, बर्फ भी उतनी नहीं रहती है। 7 पॉइंट तुम्हारे साथ घूम लिए, तुमने मुझे घुमाया था ना, मैं वीडियो बनाकर डाल दी है। मेरा ट्विन लेक रह गया, वो मैं आऊंगा दोबारा से ना ग्रुप लेके। एक और कोई बात नहीं, बेंगलोर का ग्रुप है वो लेके आऊंगा मैं, ट्विन लेक करूंगा। मुझे ये बताया एक बारी को ध्यान से मेरी बात सुनना, यात्री भले ही कम रखना अपने पास, मेरी बात
पर ये जो यात्री है ना, जो मैं 8-9 ग्रुप दूंगा, ये जो लोकल घूमना चाहते हैं, इनको बढ़िया से लिख के पूरा प्लान देना, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ वो तो है, वो तो है, क्योंकि तुम्हारा तो नाम जो खराब होगा होगा होगा, मेरा ज्यादा खराब होगा चक्कर में ना। वो तो है, वो तो है। तो मेरे भाई इनको ना पेपर पे ना रिटर्न में लिख के ना इनको व्हाट्सएप करना कि घोड़े का ये है और ये है, और कहीं पे जो तुम्हारा यूनियन वाला टैक्सी होता है वही जाता है, जो हमारी बस होगी वो नहीं जाएगी ना, वो नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी, यूनियन की गाड़ी जाती है। हाँ तो वो जैसे हमारे सरदार जी सारा लिख के देते ना, मैं भेज दूंगा, ऐसे आप लिख के सारा रिटर्न में देना और पैसे का भी रिटर्न में देना। अब पैसे में जैसे आपने सपोज करो एक बंदे का पैकेज दे दिया आपने, घोड़ा वोड़ा रहना वहना मिला के 6,000 रुपया एग्जाम्पल, अब 6,200 खर्चा हो गया, तो 200 रुपए के चक्कर में उनसे फिर वो रेट खराब मत करना, 6,000 ही ले लेना, ठीक है ना। ठीक, समझ रहे मेरी बात। तो काफी यात्री है, लेकिन यार देखो एक बार ही नहीं आदमी को कमाना होता है, बहुत लंबा टाइम होता है। जितने यात्री संभाल पाओगे उतने यात्री पकड़ना, ऐसे मत करना कि यात्री आगे वहां सिर पे खड़े हो जाए, क्योंकि बेचारे बहुत दूर से आते हैं, विश्वास पे आएंगे वो, ठीक है। वो तो है खास करके मेरे यात्री, मेरे यात्री किसी को परेशानी हुई देख लीजिए भाई, जो मेरे थ्रू आ रहे हैं परेशानी हुई कुछ मेरी वजह से। रफीक आदिल अभी अब की बार क्या है ना, यात्रा बहुत है, अच्छी बात तो मैं ही परेशान हो गया हूँ। वो तो है, हमारा सिस्टम ऐसा हो रहा है कि मतलब बस वाले से पहले 7 बस बुक की, फिर अगले दिन 9 की, अब 11 की, आज उसको 18 बस का बोला है, तो वो भी कह रहा है भैया मैं सेम रेट में दे पाऊंगा, भैया जो शुरू की बसें बुक हुई है उसका अलग रेट होगा, जो बाद में हो रही है उसका अलग होगा। अब यात्रियों को ये बात कैसे समझाएं, बड़ा मुश्किल होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है इस बार यात्रा का लोड ज्यादा है, अगली बार स्मूथ हो जाएगा, तो इस बार इतने यात्री पकड़ना, इतना मैनेज करना फोन वगैरह का, ताकि आपका फोन स्विच ऑफ ना हो, वो पहुंचे वहां पे, तो उनको एक नंबर दे दिया, अपने पास डायरी रखी उसका नंबर दे दिया, पता ही नहीं होगा कि कौन सा यात्री क्या है। और फिर ये भी है, पैसे वैसे का हिसाब तुम ही करना, ऐसे नहीं भाई को भेज दिया एक बार मेरे साथ भी टेंट में होता, रात को कोई पैसे ले गया, सुबह तुम ले आगे पैसे, फिर तुम्हें लगता है तुम कह रहे मेरा भाई है वो, ऐसा मत करना, सुन रहे हो। जो भी यात्री आता है अपने ग्रुप से, जो अपने ग्रुप से, जो आपके ग्रुप से में आएगा टेंट के लिए, उनको पूरा बोला मेरे टेंट में रहना, फिर आगे जाते हैं उधर, आगे इधर जाते, फिर किस किस से पैसे लूंगा मैं यार। नहीं यार, जो मैं रुकवाऊंगा उनके सबकी पेमेंट मैं कर दूंगा, वो बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है जो मेरे पहले एडवांस देना है आपको टेंट का, ठीक है ना, फिर बाद में बोला कि नहीं। देखो अगर अभी 250 रेट, अगर यात्री ज्यादा हो जाएगी फिर 350 हो जाएगी, पहले आप सोच लेना। सरकारी रेट नहीं है क्या तुम्हारा वहाँ पहलगाँव का? सरकारी अभी तो रेट वो बोलता है रेट अभी नहीं, अभी लिखा नहीं, रेट आया नहीं, अभी आ गया रेट मार्केट में, आ गया 350 कुछ है शायद मेरे ख्याल से, 300 कुछ है पहलगाँव का, आ गया, मैंने वीडियो बना के डाली है। अगर पहलगाँव का 300 वो गए अन फ्लोर का बेड का हो गया 350-400 का बेड, जो गवर्नमेंट का रेट होगा ना वही रेट लगा तो हमसे भी। हाँ वही दे रहे, वही रेट। तो मैं नहीं कह रहा हूँ तेरे को देने के लिए, पर मेरा कहने का मतलब है बहुत यात्री आएंगे तेरे पास। देखो देखो आप बंदे ला रहे हैं ना, आप बंदे ला रहे हैं, फिर आधे जाते उधर, आधे जाते इधर, फिर समझ नहीं आ रहा किस, फिर टेंट मेरा खाली रहता है, फिर आपको नुकसान देना पड़ेगा। यात्रियों से पूछ लूंगा जो तेरे टेंट में रुकना चाहेंगे, मैं उतना टेंट बुक कराऊंगा, ठीक है। मुझे आप कन्फर्म बोलना कितना टेंट चाहिए, फिर आप बोलोगे हमने 10। कई बार ऐसा भी होता है कुछ बंदे कहीं और घुस जाते हैं जाके, फिर वो टेंट का खर्चा पड़ता है, फिर 30 टेंट अभी 30 टेंट आपने बुक किए, फिर आप आगे आदमी उधर जाएंगे, आ रही इधर जाएंगे, फिर मैं आपसे 30 लूंगा 30 टेंट का, मुझे भी छोड़ेगा अब की बार है। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।